आज मैंने कोशिश की है कि मैं 2.5 घंटे के इस शो के जरिए आपको आपसे प्यार करवा सकूं। क्या अगर आप वैसे अपने आप से प्यार करती है और वो प्यार कहीं फैमिली के प्यार में दब गया है, सो शायद वो जो बादल उसके ऊपर छा गए हैं उस मोहब्बत के ऊपर जो आप अपने आप से करती थी, याद है आपको टीनेज में, वो शायद बादल मैं छटवाऊँ और आपको याद दिलाऊँ कि आप भी अपने लिए कोई अहमियत रखती हैं। आइए मैं वेलकम करना चाहूँगी एक मेरी ऐसी सेलिब्रिटी जिनको आप उनके एज के हर स्टेज में आप उनसे प्यार करते रहें और हमेशा से वो बहुत खूबसूरत और ग्रेसफुल नज़र आती रहीं। उनकी आवाज़, उनकी पर्सनैलिटी, और उन्होंने बहुत ग्रेसफुली एज किया है। आप उनको पहले एज हीरोइन ड्रामों में देखा करते थे और एडमायर करते थे, फिर उन्होंने अपनी फैमिली की खातिर, वही वाली बात ना, अपनी फैमिली की खातिर एक काफ़ी बड़ा गैप लिया अपनी इस काम से जिससे वो प्यार करती थी एज एन एक्ट्रेस, और उसके बाद जब उनको लगा कि अब मैंने अपनी फैमिली को अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी दे दी है जो मैंने वक्फ कर दी थी उनके लिए, सो अब मुझे अपने उस प्यार की तरफ वापस आना चाहिए, यानी एज एक्ट्रेस जो मैं इस फन से मोहब्बत करती हूँ, और फिर वो वापस आई और वो आपको स्क्रीन पे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करती हुई नज़र आ रही हैं। सो वो तो हो गई जी एक हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट, उनके साथ मैं बुलाना चाह रही हूँ 19-20 होंगी एज हम उम्र कह लें या क्या, लेकिन डिफरेंस आपको साफ नज़र आएगा। उसकी रीज़न क्या है कि मेरी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उन्होंने अपनी फैमिली से तो प्यार किया, अपने करियर को थोड़े दिनों के लिए खैर बात कह दिया, लेकिन वो अपने आप से भी प्यार करती रही, क्योंकि जब तक औरत अपने आप से प्यार नहीं करती उससे कोई और प्यार नहीं करता, ये मैं आपको बता दूँ, ये आप गिरा बांध के रख लें। सो इस वक्त मैं आपके सामने वेलकम कर रही हूँ निदा मुमताज विद तनवीर फातिमा, वेलकम टू बोथ ऑफ देम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ओह गर्ल, हाउ आर यू? कैसी हैं? बहुत बहुत मुबारक हो आपको फिल्म की, फिल्म चक्कर की। चक्कर की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि प्लीज आप भी बैठिए, कि वो कब आइए निदा फिल्म में, हमें तो पता ही नहीं, चक्कर चक्कर कर रही है। आप प्रोड्यूसर बन गई है ना? हाँ जी, मैं कैमरे के पीछे हूँ, सबको बता दूँ, सब कहते हैं आपकी फिल्म किस फिल्म में आ रही है आप? भाई यही मेरी फिल्म है जो मेरा मॉर्निंग शो है, लेकिन मैं कैमरे के पीछे जो है जो मेरी फिल्म है वो सिनेमा में लगी हुई है चक्कर। थैंक यू सो मच, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक। सही कहा ना मैंने, औरतें अपने आप से प्यार करना छोड़ देती, बिल्कुल छोड़ देती। तनवीर साहिबा ने अपने आप से कम प्यार किया ऐसा है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। सो मोहब्बत अपने आप से शादी बच्चों के बाद खत्म कर दी क्या? शादी के बाद से खत्म कर दी। शादी के बाद से खत्म कर दी, और फिर बच्चे तो नहीं है मेरे। अच्छा, बच्चे जी। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 20 साल हुए थे, 20 साल के बाद। 20 साल? 20 साल हो गए जी। और आपके हस्बैंड अब नहीं रहे? आप बता जी, अभी 5-6 साल हुए हैं मेरे ख्याल में, मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा, सो क्या सारी जिंदगी बस हस्बैंड की खिदमत करती रही हैं जी? थोड़ा अपने ऊपर तवज्जो कम? हाँ, बस वो तवज्जो भी कम रही, और हाँ, जो खाया जो मिल गया वो जो खा मिल लिया, गया, वो खा लिया। हाँ, अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी, कोई डिसिप्लिन नहीं रखा नहीं जिंदगी। अब हस्बैंड के इंतकाल के बाद मैंने अपना एक नया वो शुरू किया है। अच्छा, जाहिर एक औरत घर में बैठ के क्या कर सकती है। मैंने सुना है कि आप जो है वो बहुत खूबसूरत काम करती हैं, यानी आप कुरान पढ़ाने जाती हैं। कुरान पढ़ाने जाती हैं, और जिसके घर जाती हैं जो खाने को खाने को देता है जी, आप खा लेती हैं। अब ये है कि मैं एक जाहिर 2 बजे तक के बाद जिस घर में भी जाती हूँ तो वहाँ पे जाहिर खाने ही का टाइम होता है, माशाल्लाह वो तो वो चट्टा चलता रहता जो मर्जी होता है, वो कहती है ये मैं पकाया है, हाँ, ये आपके लिए लिया हूँ, हाँ, तो जाहिर भूख तो लगी रही होती है, हाँ, मैं कहती हूँ हाँ ले आए, तो अब वो उसमें बिरयानी भी होती है, आलू के पराठे भी होते हैं, जिसकी वजह से मैं मेरा वेट भी बढ़ गया है। और अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब आप धूप में निकल के जाती हैं कुरान पढ़ाने के लिए तो कभी फेस पे सनब्लॉक लगा के गई? नहीं, सनब्लॉक मैंने कभी लगाया नहीं, कभी नहीं लगाया, नहीं कभी नहीं लगाया, बस ये है कि मैं अपनी छतरी लेके जाती हूँ। अच्छा, चलो शुक्र है अल्लाह, छतरी लेके। आपको ध्यान कब आया छतरी ले जाने? ये मुझे ध्यान मेरे भाई भाभी ने ही कहा कि छतरी लेके जाया। कितने अरसे पहले छतरी लेना शुरू की? ये अभी 2 साल हुए मुझे छतरी ले जाते हुए, इससे पहले मैं बगैर छतरी के ही जाती थी। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.